पीपल वेलकम बैक टू माई चैनल दैट इज ग्रेस विद फैशन विद निशा एंड प्रतीक। सो आज मैं रेडी हुई हूँ बहुत सारे काम करने के लिए एंड मुझे काफ़ी लेट हो रहा है तो मैं कुछ शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। सो आज मैं जा रही हूँ आईफोन बाय करने क्योंकि मेरा जो आईफोन 13 प्रो है उसकी GB बहुत कम है एंड मुझे व्लॉग्स करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सो दिस इज द सोल पर्पज ऑफ बाइंग अ न्यू फोन। प्रतीक इज आस्किंग मी टू बाय आईफोन 14 प्रो एंड आई वॉन्ट टू बाय आईफोन 14 प्लस बिकॉज वो मेरे बजट में है। Not that I can buy, but I think it's a waste क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं iPhone 14 Pro और 13 Pro में। So why not buy iPhone 14 Plus? Hope you got my point. Anyways, अभी जाएंगे and let's see. Hopefully आज मेरा new phone आ जाएगा। And this is I'm wearing. This is my favorite trouser pants and the top from Forever New. Now let's head to buy the new phone. सो गाइज आफ्टर ऑल द जोल जमाल अभी तक आईफोन 14 प्लस शायद है नहीं, जो हम मुझे कलर चाहिए और जो मुझे 512 GB चाहिए वो नहीं है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, बस डिफरेंस देखेंगे कि फ़ोन में क्या क्या डिफरेंस है। और मेरा स्टूडियो बन रहा है तो उसके लिए मुझे पेंट लेना है। सो आई एम गेटिंग, मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि मेरा एक रूम है उसको मैं पूरा स्टूडियो में कन्वर्ट कर रही हूँ, वो मैं घर जाके दिखाऊंगी। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं पहले आईफोन 14 आईफोन वाला काम करने जा रहे हैं। तो हम जाएंगे आईफोन वाला काम करने। ये सबसे लखनऊ का ऐसा चला है यार, सबसे ज्यादा जाम लगता है आगे, है ना प्रतीक? ये पूरा लखनऊ का ये ऐसा चला है, इतना ज्यादा जाम लगता है यहाँ पे। तो गाइस मैं अभी पेंट सिलेक्ट कर रही हूँ एंड कलर्स मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। तो मैंने बता दिया ऑलरेडी, कलर सबसे बेस्ट जो आता है वो ये है मॉर्निंग ग्लोरी मेरे हिसाब से। मुझे लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है। कौन सा? वाटर स्प्रे। ये थोड़ा अलग शेड है, ये ग्रीन के ग्रे ढूंढो इसमें, ग्रे ये वाला कैसा रहेगा? आइस सिल्वर। इससे इससे बेटर तो मुझे ये अभी भी लग रहा है, ये मॉर्निंग जो पिक्चर में ठीक आ रहा है मॉर्निंग ग्लोरी। सो गाइज मैं घर आ गई हूँ एंड जो मेरा कन्फ्यूजन था बिटवीन आईफोन 13 प्रो एंड आईफोन 14 प्लस, वो आईफोन 14 प्लस इज अ डिग्रेडिंग वर्जन दैन आईफोन 13 प्रो। सो वो तो नहीं लेना है, प्रतीक ने बिल्कुल मना कर दिया है। नाउ आई एम, जैसे ही मैंने किसी से बात करी है एंड दो तीन दिन में फाइनलाइज हो जाएगा, आपको इसी ब्लॉग में पता चल जाएगा। एंड फॉर नाउ आई विल हैव समथिंग एंड देन आई विल शो यू वो वाला रूम जो एक स्टूडियो बनने वाला है। सो गाइस अभी प्रतीक घर आया है एंड मैं आपको अपना स्टूडियो रूम दिखाती हूँ, उसमें पेंटर भैया भी आए हैं देखने के लिए। सो लेट्स गो एंड सी। सो ये भैया आए हैं जो पूरा रूम को पेंट करने वाले हैं। सो गाइस हेलो, आज हो गया नेक्स्ट डे एंड आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी से मिलने। मैं बहुत टाइम से मम्मा से नहीं मिली हूँ, सो आई एम गोना मीट हर। मॉल जाएंगे एंड थोड़ा बहुत स्वेटर शॉपिंग करेंगे और मुझे कुछ फुटवेयर में भी लेना है, तो चलते हैं। एंड आई एम गोना शो यू माय अटायर, उस दिन मैंने अपना पूरा अटायर नहीं दिखाया था। सो दिस इज माय होल अटायर एंड आई एम वेयरिंग दीज ब्यूटिफुल इयररिंग्स। ये मैंने अपनी क्लास 11th या 12th बर्थडे पे इयररिंग लिया था एंड यस लेट्स गो। सो गाइज मैं मम्मी का 45 मिनट से वेट कर रही हूँ और मैंने कुछ ड्रेस भी इतनी अतरंगी पहनी है, सब मुझे दूर दूर के देख रहे हैं। आई डोंट नो मम्मा कब आएंगी, सो आई एम वेटिंग फॉर हर टू कम। और तब तक मैंने एक चीज़ ले लिया है, वो आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। मम्मी आप बहुत बोल रहे हैं, मैं क्या करूँ यार, जाम तो मैं खुद तरस रही थी। आज मिल तो लिया आपकी चुनीज भी, थैंक यू मम्मी। हम लोग लास्ट ईयर भी मिले थे। हाँ बस यही है, चिल्ड्रंस डे पे हम लोग मिल रहे हैं, इट्स गुड थिंग। मम्मी आप मुझे मिस करती हो? और क्या यार। अच्छा मुझे आपसे एक चीज पूछनी है, जैसे कि हम लोग ने अपने ऑडियंस को बताया है जब मेरी शादी हो गई थी तो आप रोई थी। हाँ तो ऑडियंस को दिखाया क्यों? मतलब मैं पता नहीं क्यों बाहर नहीं रो सकती, मैं अंदर। कितना रोई थी? अब रोई थी ये क्या मेजर थोड़ा किया मैंने, मुझे जानना कितना मिली लीटर। मैं अभी शादी वाले ब्लॉग्स देख रही थी, उन सबकी मम्मी ऐसे रो रही हैं, मैंने कहा मेरी मम्मी तो नहीं रोई, मैं क्यों रोऊं? तो मतलब लोग बहुत इमोशनल होते हैं, मतलब मेरे ब्लॉग्स में देखा है सबकी मम्मी बहुत रोती हैं शादी के बारे से मिलने आ रही है, तो आप रोई थे? बस जब घर में पहुंची तो खाली रूम देख के और ये सब देख के तब मुझे। और रात में मेरे लिए नहीं रोई चुपके से?
के खालीपन देख के तब लव होना आया। पर ये खुशी का है कि मेरी बेटी इसलिए क्या खुशी है, अलग भेज देते हैं और बोलते खुश है, ऐसा नहीं। यू आर ग्रोइंग, ग्रोइंग तो है। और तुम्हारी दो घर हो गए, दो परिवार हो गए, दो मॉम डैड हो गए और एक लाइफ पार्टनर हो गए, तीन दो। अच्छा ऋषि माता दिस इज कैरेट केक के मम्मी ने नई चीज बताई है, बन क्रॉसों। ये खा के बताएंगे कैसा है। एंड ये कॉफी, तभी मैं देखो मैम कई मेरे को अभी तक जितने भी सब्सक्राइबर, मतलब यहाँ एक सब्सक्राइबर मिल गया थी, आप वीडियो में इतनी मोटी करती है और सामने इतनी बदली है, मैं मम्मी की फ्रेंड भी हूँ। इट इज ट्रू कि बट क्यों जो कैमरा पकड़ते मोबाइल पकड़ते, जैसे मैं पकड़ूंगी मेरा फेस और हैवी आएगा। इट इज ट्रू, पता नहीं भाई क्या देखो ऐसे हाथ उठाओ देखो, हाँ पास ला रहे तो ज़्यादा। इट इज ट्रू, She's my friend. So we bumped into mamma's oldest friend. है ना, बहुत पुराने स्कूल में आप लोग साथ में थे। हाँ, कॉलेज और हॉलेज। आंटी अपना नाम बताओ। मैं ऋषु हूँ और ये मेरी कॉलेज फ्रेंड थी, हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, वी वर टुगेदर देयर। और उस समय इसको हम लोग सुनीता के नाम से बुलाते थे, शादी के बाद इसको प्रिया का नाम मिला। People know her by the name Priya now, but for me she is still Sunita. And mama, lovely friend. And she is a teacher as well, geography teacher. किसी को requirements हो तो आप comment करना। हाँ, you can take the admission in LPC, Joplin Road. You take tuitions or what? No, I don't take tuitions. I was taking tuitions, but not now. सो गाइज आई एम बैक एंड मैं मम्मी से मिल गया है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा मम्मी डोज वॉज सो मच नीडेड एंड मुझे इतना अच्छा लग रहा है मम्मा से मिल के। मतलब मुझे ये मम्मी को 10 दिन में ना देखूँ तो मतलब मेरा अंदर कुछ होने लगता है। एंड इट वॉज मच नीडेड एंड मम्मीज कितने अच्छे होते हैं मम्मीज यार, सबके मम्मी लाइक। सो गाइज मैं दिखाती हूँ मैं क्या लेके आई हूँ। मैं बहुत बहुत अच्छी चीज़ें लेके आई हूँ, इतने टाइम बाद मैंने लाइव शॉपिंग करी है, मुझे बहुत कुछ अच्छा मिल गया है। So, ये है मेरी छोटी इयररिंग्स का पिटारा जिसमें बहुत छोटे छोटे इयररिंग्स हैं। एंड मैं अभी ये वाला इयररिंग लेके आई हूँ एंड इसको मैं समथिंग वेस्टर्न वेयर के साथ पहनूंगी तो ये बहुत अच्छा लगने वाला है। 600 रुपीज़ का मिला है ये गाइस। दूसरा गाइस मैं ये लेके आई हूँ सीक्वेंस वाला हैंड बैग एंड Isn't it looking so dope? मतलब मैं नहीं ले रही थी बट मम्मी ने मुझे फोर्स कर सकती है कि तुम लो ये बहुत अच्छा है, ऐसे बैग मिलते नहीं है। सो लाइक अच्छे तक ले सकती हूँ एंड न्यू ईयर वगैरह पर बहुत बहुत स्मार्ट लगेगा। सो यस, और है ये कोट। सो मुझे बहुत टाइम से कोट चाहिए था एंड ये कलर बहुत अमेजिंग कलर है। मतलब ये वाला ये ना वाइट है ना ऑफ वाइट है, मतलब कुछ अच्छा वाइट है, मतलब बहुत प्रिटी लग रहा था। मैंने कोट जब ये पहना था तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको जब स्टाइल करूंगी मैं फिर आपको दिखाऊंगी। एंड एक और बहुत ही क्यूट चीज आई है, लेट मी शो यू। सो मैं मम्मी के साथ गई थी एंड पॉप्सी ने मेरे लिए चॉकलेट्स भिजवाए हैं। थैंक यू पॉप्सी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। सो यस, अभी आज के लिए इतना ही एंड यस। तो गाइस सो मैंने सोचा कि मैं आपको अपने इस वीडियो का लास्ट सेगमेंट दिखा देती हूँ, दैट इज मैंने अपना जो स्टूडियो बन रहा है वो अच्छे से नहीं दिखाया है एंड आई एम गोना शो यू नाउ। ऑल्सो मैंने जो फोन के लिए बात करी थी उसका हाफ प्रोसेस डन हो चुका है एंड अब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताने वाली हूँ कि मैंने क्या किया है फोन के साथ एंड मैंने व्हाट अल्टरनेटिव आई हैव कम अप विथ। बट हाँ, जब हाथ में आ जाएगा तब मैं आपको अपडेट दूंगी। फिलहाल मैं अपना स्टूडियो दिखाती हूँ, उसमें भी आधा काम स्टार्ट हो चुका है। सो लेट्स गो, दिस इज द रूम। सॉरी ये बिल्कुल लाइट एकदम एंड पे लगाई है। सो यस इट इज व्हाट इट इज, मुझे भी नहीं पता है। हाँ ये आ गई लाइट, एंट्री पे खड़ी हूँ एंड दिस इज व्हाट द रूम लुक्स लाइक। यहाँ पे पहले बेड था वो हटवा दिया है, यहाँ गत्ते वत्ते मतलब सोफा टाइप बैठा हुआ है, एसी है वो चेंज हो जाएगा एंड वी हैव दिस रूम विच इज स्मॉल रूम बट इसको हम लोग पूरा भी पेंट वेंट कराने वाले हैं अच्छे से। एंड एक ये ड्रेसिंग टेबल है जो ऑलरेडी है, जो मैंने बोला है कि हटवा दो मॉम डैड को बट वो भी नहीं हटवा रहे हैं, गैस सिंगे भी पड़े रहने दो। बट हाँ एवरी थिंग विल बी पेंटेड, अच्छे से पेंट हो जाएगा। नाउ वी हैव अनदर रूम ओवर हियर, इसका स्विच आई गेस अभी काम नहीं कर रहा है। सो यस दिस इज अनदर रूम
जिसमें भी बहुत सारा सामान है अभी आपको दिखेगा नहीं, सो उसको भी हम लोग यहीं छोड़ देते हैं। सो यस, प्रीटी एक्साइटेड, एंड ये लाइट है और भी लाइट्स एंड ऑल आई हैव ऑर्डर्ड, लाइक आई विल बी ऑर्डरिंग। सो माय मेन एजेंडा बिहाइंड दिस स्टूडियो रूम इज कि अब मैं फैशन शूट्स कर रही हूँ एंड ऑल दैट, आई नीड अ गुड बैकग्राउंड और थोड़ा और प्रोफेशनलिज्म माय वर्क में, सो दैट इज़ व्हाई आई एम काइंड ऑफ वांटिंग अ स्टूडियो। एंड ऑल्सो एक ही रूम में काम करो, एक ही रूम में सो, इट बिकम्स क्वाइट मोनोटनस, बहुत ही बोरिंग होने लग जाता है। सो जैसे कि एक वर्क प्लेस होती है, इंसान बाहर जाता है काम करने तो उसको थोड़ा एंथुजियास्टिक आता है, सो आई वॉन्ट माई स्लीपिंग प्लेस टू बी डिफरेंट एंड माई वर्किंग प्लेस टू बी लिटिल डिफरेंट। एक रूम से दूसरे रूम में फ़र्क आएगा तो थोड़ा मज़े भी आएंगे काम करने में, लगेगा कि हाँ मैं अपने वर्क एरिया में जा रही हूँ एंड जो भी शूट करना है मुझे यहाँ करना है। सो येस, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स कि मैं ये स्टूडियो बना रही हूँ। सो येस, प्रीटी एक्साइटेड।